Subscribe our YouTube channel Shri Ji Academy and for the latest notification press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shri Ji Academy. Students, class 12 mathematics के अंदर हमने chapter 8 application of derivative को start करा था and इससे पहले वाले lectures के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, ठीक है? एक्सरसाइज 8.3 के अंदर हमें टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखना था, तो मैंने आपको एक तो बेसिक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, उनकी इक्वेशंस क्या होती है, उनकी स्लोप क्या होती है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ जब पैरेलल होंगे उस केस में एम कैसे फाइंड करते हो, स्लोप कैसे फाइंड करते हो, नॉर्मल की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप. सो ये जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने बेसिक वीडियो जो बनाई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो था उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया था. जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार उससे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी उस वीडियो को एक बार जाकर देखे, देन आप ये चैप्टर को करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना जिनको, कि क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा. तो वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर वो सारा फीड होता रहता है कि हाँ क्वेश्चन में क्या गिवन और हमें क्या करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट वाइज वही है. आज हमें एक्सरसाइज 8.3 करनी है, तो एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे. बताया हुआ है मैंने कि आपका ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके अंदर हर एक एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो हमें हर एक एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके ही चलना है. 8.1 के अंदर भी मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में. एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा था, एंड एक्सरसाइज 8.3 आज जो है उसके अंदर हमें टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? एक्सरसाइज 8.3 के जो भी क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखाया था आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड हो गया. सो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर पूछे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन. स्लोप अगर आपको पूछे तो स्लोप को देखो हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना? देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2. आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट की एट x इज इक्वल टू 2, और आपको कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x, ठीक है? तो देखो कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x. इसका क्या कर लो, आपको स्लोप फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, dy बाई dx. तो dy बाई dx कर लो इसका, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और माइनस x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब आपको देखो इसने बोला क्या है, आपको बोला इसने कि आपको स्लोप फाइंड करनी है 8x इज इक्वल टू कितने पे, 2 पे. तो आप क्या कर लो, dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो, या नीचे लिख देना x इक्वल टू 2 पे, तो 2 पुट करो तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 थ्री 12, 12 माइनस 1 कितना हो गया, 11 आपका आंसर. क्लियर है? इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10. 10 पे आपको स्लोप निकालनी है और कर्व गिवन है आपको y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. हियर ये जो डिनोमिनेटर x जो है ये कभी देखो 2 नहीं हो सकता. अगर देखो यहाँ पे 2 हो जाता है तो 2 माइनस 2 नीचे 0 और डिवाइड में 0 आ गया, इट मींस होता है इनफिनिटी हो जाएगा. सो यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती. देखो अगेन y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है आपको x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. क्या करना है आपको, dy बाई dx, सो dy बाई dx इज इक्वल टू u अपॉन v का फॉर्मुला लगाओगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन x माइनस 2 एज इट इज dy बाई dx ऑफ x माइनस 1, फिर फॉर्मूले का माइनस x माइनस 1 एज इट इज dy बाई dx ऑफ x माइनस 2. यही होता है, देखो x माइनस 2 ऊपर एज इट इज है, x का होगा 1 और इसका होगा 0, तो x माइनस 2 फिर माइनस, ये एक्स का 1 और 2 का 0, तो एक्स माइनस 1 और बाहर माइनस है तो माइनस का एक्स प्लस का 1 हो गया, डिवाइड बाय कितना, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. देखो इस एक्स से एक्स कट गया माइनस 1. अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि डीवाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना, कहाँ फाइंड करना, एक्स इज इक्वल टू 10 पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 10, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर टेंजेंट ऑफ कर्व, टेंजेंट पूछा है ऑफ कर्व y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ दोस इज 2 दे रखा है. क्लियर है? तो देखो जो आपको कर्व दे रखा है ना उसी से स्टार्ट करते हैं. आंसर देखो इसका,
y प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो गिवन है। ठीक है, देखो तो यहां से मुझे बताओ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। तो यहां से मुझे बताओ dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस टू तो एज इट इज रहेगा और इसको देखो वन अपॉन एक्स, ये वन अपॉन एक्स ही है, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है, तो dy बाई dx की बताओ मुझे वैल्यू क्या आ गई, dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही वो आ रही है टू अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है, अब क्वेश्चन में गिवन है एंड स्लोप ऑफ दोज इज टू, आपको स्लोप कितनी दे रखी है, आपको क्वेश्चन के अंदर टू स्लोप गिवन है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे टू, तो टू इक्वल टू टू अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, टू से तो ये टू कट गया इधर भेज दो, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, सो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस वन, सो एक्स की वैल्यू स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस वन आएगा। तो देखो एक बार अगर प्लस वन लेते हो आप, देखो ये ऐसा हो जाएगा ना, प्लस का वन और माइनस का थ्री उधर जाएगा तो प्लस का थ्री, तो प्लस का वन और प्लस का थ्री एक तो आएगा फोर, और अगर माइनस का वन लेते हो तो ये हो जाएगा टू, तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास दो आ गई, एक तो आ गई फोर और एक आ रही है टू। क्लियर, अब हमें वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो देखो एक्स की वैल्यू फोर है तो अब यहाँ पे फोर पुट करते हो तो फोर माइनस थ्री कितना हो जाएगा वन, तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस टू, वाई की वैल्यू माइनस टू, और एक्स की वैल्यू अगर आप टू पुट करते हो तो यहाँ टू पुट करो, देखो टू पुट करोगे तो टू माइनस थ्री कितना होता है माइनस वन, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी। क्लियर, अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, अगेन लिख रहा हूँ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, फर्स्ट आपको कितना रखना, x 4 रखोगे तो y कितना माइनस टू, सो y माइनस, ध्यान रखना x 1 और y 1 की वैल्यू पुट करी जाती है, x और y पुट नहीं करना, सो y माइनस y 1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2, m dy by dx देखो आपने निकाल रखा है क्या, dy by dx देखो यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे या फिर स्लोप dy by dx देखो x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम, 4 पुट कर रहे हैं ना, तो देखो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 तो ये 2 आ जाएगी, एम की वैल्यू कितनी है 2 एंड x माइनस x1, x1 कितना लेना है आपको 4, तो देखो ये कितना होगा 2x, प्लस का y उधर जाएगा माइनस का y एंड प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 4 देखो ये है माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन और भी बनेगी जब x इक्वल टू 2 रखना और y इक्वल टू भी 2 रखना। ठीक है, तो देखो उस केस में क्या बनेगा, y माइनस y1, y1 कितना 2 इज इक्वल टू m, यहाँ अगेन 2, अब 2 पुट कर रहे हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो ये क्या हो गया 2, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस y, इस बार x कितना लेना है 2 लेना है, तो क्या हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो क्या बनेगा 2x माइनस का y, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, सो यह आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपकी दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में नोट डाउन कर लिया है, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपका, इसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू इज टू बाई थ्री, स्लोप आपको गिवन है 2/3 है और कर्व की इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करना है, देखो y की वैल्यू ये है तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या आ गया, देखो इसको x लेट करोगे तो रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, 2 4x माइनस 3, देन 4x माइनस 3 का करोगे तो 4x का हो जाएगा इंटू 4 और माइनस 1 का होता है 0, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपने डिफरेंशिएशन कर लिया एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप गिवन है 2/3, तो dy by dx की वैल्यू कितनी होगी 2/3, तो ये रखा 2/3 इज इक्वल, देखो ये तो कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस 3 आ गया। क्लियर है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये इधर आ गया, तो ये ऐसा बन जाएगा 4x माइनस 3 का रूट, और रूट हटा दो, देखो स्क्वायर लगा देना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3 होगा, या ऊपर लिख देता हूं मैं, तो 4x माइनस का 3 उधर प्लस का 3, 9 और 3 हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई तो यहां पुट करो x की वैल्यू को, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 4x माइनस 3 और माइनस का 1 है, 3 पुट करना है तो 4 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 3 माइनस 1 आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो आपको पॉइंट्स पूछा था तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। क्लियर है, क्या क्वेश्चन था, y दे रखा था उसके स्लोप गिवन है dy/dx करा 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स,
dy by dx की वैल्यू 2 by 3 रखी, 2 से 2 कैंसिल किया इधर और ये इधर, तो हुआ क्या कि अंडर रूट हटा तो इधर स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4x minus 3 था, माइनस का 3 उधर भेजा तो क्या हो गया प्लस का 3। इसके बाद ये है ना, यहां से लिखना, इसके बाद ये माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 3, 9 और 3 12 हो गया, 4 से कैंसिल होता 3 टाइम्स, फिर इस इक्वेशन में 3 पुट कर दिया, 4 से 12, 12 माइनस 3 9, 9 स्क्वायर रूट होता 3 का, 3 माइनस 1 हो गया 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 4 कर्व x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, फाइंड दोस पॉइंट, पॉइंट ही कैलकुलेट करने वेयर टेंजेंट, फर्स्ट केस में गिवन है पर पैरेलल टू x एक्सिस, देखो पैरेलल टू x एक्सिस का मीन, अब सोचो पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है, dy by dx इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, मैं कॉन्सेप्ट क्यों बनाता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहां देखो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो दिमाग में थोड़ा विजुअलाइज करो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, इट मींस वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा, और इस केस में dy by dx इक्वल टू 0 लेते हैं, दिमाग में लाओ, और सेकंड है पैरेलल टू y, इट मींस वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो dy by dx इनफिनिटी लेते हैं, और मैंने बताया था इनफिनिटी नहीं लिखना, हम इनफिनिटी को 1 by 0 से रिप्लेस करते हैं, तो वो पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे। देखो कर्व गिवन है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर ले, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x / 4, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y / 25, एंड देन y का करोगे dy / dx इक्वल टू में हो गया 0। क्लियर है? देखो 2 दोनों में कॉमन है, उसको तो भेज दो उधर, प्लस का x / 4 उधर जाएगा, माइनस का x / 4, तो यहां से मुझे बताओ dy / dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का 25x / 4y आ जाएगी। क्लियर है ना कैसे है? देखो प्लस का x / 4 उधर गया, माइनस का x / 4 ये हो गया x / 4, फिर dy / dx ये जो था इसके मल्टीप्लाई में, देखो y है और 25 डिवाइड में, तो डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो गया इसके। अब देखो फर्स्ट केस, जो केस दे रखा है उसी को हम समझ रहे हैं। पहला केस क्या दे रखा है कि पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x, अब पैरेलल टू x का मीन अब दिमाग में क्या आना चाहिए कि dy / dx इक्वल टू 0, और पैरेलल टू x का मीन क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू y होगा, ठीक है, dy / dx इक्वल टू 0 रखना है, तो रखो इस क्वेश्चन में, तो देखो माइनस 25x / 4y इक्वल टू क्या हो गया 0, ये इधर आ गया 0, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बताओ मुझे, 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की वैल्यू अगर यहां 0 पुट करोगे तो देखो ये तो हो गया 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5, ये आपका आंसर। सेकंड क्या पूछा उसने, पैरेलल टू y, सेकंड केस क्या बोला उसने, पैरेलल टू y होना चाहिए, पैरेलल टू y, और पैरेलल टू y के केस में भी मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना है कि dy / dx जो होता है वो इन्फाइनिटी होता है, और मैंने बोला इन्फाइनिटी नहीं लिखेंगे हम, उसको 1/0 लिखेंगे। क्लियर है? अब बताओ dy / dx इतना यही है, माइनस 25x / 4y इक्वल टू 1/0, देखो 0 इधर है, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4y इधर गया, तो y की वैल्यू भी यहां से कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, y की वैल्यू यहां 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो बोले आपको परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस तो भी यही होता है, ठीक है ना, नोट करो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, जो पहले स्किप हो गया था, ये 3rd है और ये 5th, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू द कर्व x इज इक्वल टू a sin क्यूब d एंड b इज y इज इक्वल टू b cos क्यूब d। देखो फर्स्ट तो हम क्या कर लेते हैं, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे x1 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन के अंदर यूज आएगा वो, ठीक है ना, तो एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 एक्स वन, यहां देखो अगर t की वैल्यू में पाई बाई 2 पुट करता हूं तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, क्योंकि 1 बचेगा और 1 का इसके साथ 1 ही है, और y1 भी कैलकुलेट कर दो, यहां पुट करोगे पाई बाई 2 cos 90 0 होता है और 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया तो नेसेसरी क्या है, स्लोप निकालना जरूरी होता है, स्लोप कैसे निकलेगा, अब देखो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कब क्लियर होगा आपका, जब आपने 7 चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म एक नहीं है टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन डिवाइड करके डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो कंटिन्यूटी आपको रखना जरूरी है तभी क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में तो यही इंपॉर्टेंट है, तो ये पैरामेट्रिक है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखो कि फंक्शन जिसकी फॉर्म में होता है डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में होता है, क्या ध्यान रखोगे, फंक्शन जिसकी फॉर्म में होता है डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है, तो देखो यहां से dx / dt निकालो, तो dx / dt a तो एज t sin क्यूब t का 3 sin स्क्वायर t, देन sin t का करोगे तो cos t आ जाएगा, y का कर लो तो dy / dt इज इक्वल टू a एज t इज cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t, एंड देन cos t का करोगे तो माइनस का sin t,
अब इसमें इसका डिवाइड करोगे तब जाके डीवाई बाई डीएक्स आएगा, है ना। इसको इक्वेशन वन ले लो, इसको इक्वेशन टू ले लो, टू में वन का डिवाइड करना है। तो देखो ये वाली टर्म है, यही है, मैं लिख देता हूँ, चलो थ्री ए कोज स्क्वायर टी इंटू माइनस का साइन टी अपॉन थ्री ए साइन स्क्वायर टी एंड कोस टी, यही है। देखो बी था ना यहाँ पे, डी वाई का तो बी है तो यहाँ पे बी होगा। देखो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, कोस टी से ए कोस टी कैंसिल हो गया और साइन टी से ए के साइन टी, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस तो ए से टी से आ गया, बी अपॉन ए एंड कोस टी आ गया, क्लियर है। अब देखो हमें चेक करना स्लोप निकालने कहां पे, टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे कोट पाई बाई टू, कोट नाइनटी कितना होता है जीरो होता है, टेन नाइनटी का उल्टा, टेन नाइनटी इन्फिनिटी और कोट नाइनटी जीरो होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने, क्या निकालने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, अगेन बोल रहा हूँ x और y की वैल्यू पुट नहीं की जाती, क्लियर है, तो बस पुट कर दो जो वैल्यू अपने पास है, y माइनस वाई वन की वैल्यू बताओ कितनी है, हमने निकाल दी कि वाई वन जीरो है, इज इक्वल टू एम की वैल्यू जीरो एंड एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी, एक्स वन की वैल्यू है ए, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ जीरो का मल्टीप्लाई के साथ जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन है, क्लियर है। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, इजी क्वेश्चन है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पाई बाई थ्री थ्री बाई फोर ऑफ कर्व वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जो कर्व गिवन एक बार तो उसको लिख देते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स गिवन, क्लियर है। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, करो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू साइन एक्स, एंड देन साइन एक्स का अगेन करोगे कोस एक्स। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, देखो यहाँ पे क्या है ना, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी वैल्यू पुट करे, देखो अभी फंक्शन किसकी एक्स की फॉर्म में है ना, तो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई का होता तो वाई की वैल्यू पुट कर देते, दोनों होता तो दोनों वैल्यू पुट करते, ठीक है ना, जिसकी फॉर्म में है उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कहां पे निकलेगा, अभी एक्स की फॉर्म में है तो पाई बाई थ्री पे निकलेगा, तो टू साइन पाई बाई थ्री हो गया और कोस पाई बाई थ्री हो गया, टू इंटू साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री अपॉन टू होता है, रूट थ्री अपॉन टू हो गया, इंटू कोस सिक्सटी होता है वन बाई टू हो गया, तो वन बाई टू हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई रूट थ्री अपॉन टू आ गई, क्लियर है। अब देखो आपको क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, पहले तो ये बताओ मुझे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कितना रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू उल्टा कर दोगे इसका तो माइनस टू अपॉन रूट थ्री स्लोप आ गई, ठीक है। अब आपको निकालनी है इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं, क्लियर है। बस वैल्यू पुट कर दो सारी, जो जो वैल्यू है अपने पास, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू है थ्री बाई फोर, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स निकाल रखा है माइनस टू बाई रूट थ्री है, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू है पाई बाई थ्री लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया रूट थ्री वाई, ये हो गया माइनस का थ्री रूट थ्री अपॉन में फोर, ये हो गया माइनस का टू एक्स, और वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का टू पाई बाई थ्री, इसको इधर भेज दोगे तो टू एक्स प्लस का रूट थ्री वाई, ये भी वैल्यू को अगर इधर भेजो दोनों माइनस में हो जाएगी, तो माइनस बाहर, ये आ गया टू पाई बाई थ्री एंड प्लस लिख देना यहाँ पे थ्री रूट थ्री अपॉन में फोर, ये आपका इक्वल टू में जीरो लिख देना, ये क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, क्लियर है। तो ये नॉर्मल का भी हमने क्वेश्चन कर लिया, टेंजेंट का क्वेश्चन कर लिया, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगेन सभी को यही बोलूंगा मैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन में ये करेंगे वो करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। नोट करो इजिली, केयरफुली नोट करना, अच्छी तरीके से आप एक कॉपी बना लेना, सारे क्वेश्चन उसके अंदर नोट डाउन करना, एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, टिल देन गुड बाय, घर रहिए, सेफ रहिए एंड मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए।